नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शुभम दीक्षित, मेरे चैनल टेक टिप्स एंड ट्रिक्स में दोस्तों आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाले एक और धांसू खेती के बारे में जानकारी। पहले भी दोस्तों इसके बारे में आपने कई सारे वीडियोस और दूसरे लोगों के चैनल्स में कई बार इसके बारे में सुना होगा। आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ लीची की खेती के बारे में, लेकिन मैं आपको उसका तरीका दोस्तों अलग तौर पर बताऊँगा। अगर आप साल में कम से कम 15 से 20 करोड़ रुपए सालाना अगर आप कमाई करना चाहते हैं तो आज का इस वीडियो देखना दोस्तों आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि मैं इसमें अलग तरीके से आपको कुछ लीची की खेती करने का तरीका दोस्तों बताने वाला हूं। तो बने रहिए दोस्तों आज के हमारे इस पूरे वीडियो के साथ। और दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब के पास ही में जो बेल का बटन है उसको जरूर दबा दीजिए, इससे मेरे हर एक वीडियोज़ की जानकारी सबसे पहले दोस्तों आप लोगों के पास पहुँच सके। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, मैं आपको बताता हूँ लीची की खेती के बारे में पूरी जानकारी। सबसे पहली बात, लीची की खेती करने के लिए आप सभी तरह की भूमियों में खेती कर सकते हैं। सबसे पहली दिक्कत किसानों के अंदर ये रहती है कि हमारी इस तरह की खेती नहीं है या इस तरह की भूमि नहीं है। कोई बात नहीं है, आप लीची की खेती करने के लिए सभी तरह की भूमि में खेती पर्याप्त दोस्तों होती है। ठीक है, 3 साल का दोस्तों समय लगता है इसके पेड़ों को बड़ा होने के लिए, और आपको 1 एकड़ में कम से कम 850 से लेकर 1000 पौधे दोस्तों आपको लगाने होंगे लीची की खेती को शुरुआत करने के लिए। सिर्फ और सिर्फ आपकी 1 लाख रुपए लागत आएगी, लेकिन आपकी जो सालाना कमाई होगी वो कम से कम 15 से 20 करोड़ रुपए सालाना आपकी कमाई होगी, क्योंकि लीची की जो मार्केट कीमत है कम से कम 250 से लेकर 300 रुपए मार्केट में कीमत आपको आराम से देखने के लिए मिल जाएगी। कई सारी मेट्रो सिटी में आप 400-500 रुपए तक लीची की कीमत आपको देखने को मिल जाएगी। बहुत ही ज़बरदस्त तो दोस्तों शानदार खेती है। महज 1 लाख रुपये आपको एक बार लगाना है और 3 साल के लिए दोस्तों आपको फ्री हो जाना है। अगर इसके साथ में किसी और तरह की खेती अगर आप करना चाहते हैं तो बेधड़क कर सकते हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैं अपने वीडियोस में कई सारे वीडियोस बना चुका हूँ आयुर्वेदिक खेती के ऊपर, जो हर 2-3-4 महीने के अंदर तैयार हो जाती हैं और लाखों रुपये की खेती आपको देती हैं। तो लीची की खेती आप एक बार तैयार कर लीजिए, अपने 850 से लेकर 1000 पौधे आप लगा लीजिए। उसके साथ में आप काल में एक सर्पगंधा, ताली, तुलसी, अलग अलग तरह की आप औषधियों की खेती भी करती है, तो हर 3-4 महीने में आपको दोस्तों उससे भी कमाई होती रहेगी और 3 साल बाद सालाना कम से कम 15 से 20 करोड़ रुपए की अभी कमाई करवाएगी लीची की खेती। बहुत ही बढ़िया और दोस्तों शानदार खेती है, बहुत ही एक अच्छा फल माना जाता है। कई सारी शरीर के अंदर जो प्रॉब्लम्स रहती हैं वो ख़त्म करने की ताकत है लीची के अंदर। 400 तरह की बीमारियों को ख़त्म करने की ताकत है लीची के अंदर। बहुत ही मीठा, काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट फल होता है और कई सारी मेट्रो सिटी में आपको 500-500 रुपये कीमत देखने को मिल जाएगी। नॉर्मल अगर आप किसी भी शहर में रहते हैं तो कम से कम 200-250 रुपये किलो आपको नॉर्मल कीमत देखने को मिल जाएगी लीची। अब इसकी तैयारी किस तरीके से करना वो मैं आपको बता देता हूँ। शुरुआत में इसके पेड़ लगाने से पहले आपको गोबर की खाद कम से कम प्रति एकड़ 400 किलो गोबर की खाद का दोस्तों आपको बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करना होगा। कंपोस्ट खाद भी कर सकते हैं, केंचुआ खाद भी कर सकते हैं और गोबर की खाद का कर सकते हैं। गोबर की खाद का चाहे तो आप घोल मिलाकर भी पूरे खेत में उसका छिड़काव कर सकते हैं। फसल को लगा पौधे लगाने से पहले लीची के नर्सरी में आपको आसानी से इसके पौधे मिल जाएंगे। 8 रुपये से लेकर 14 रुपये तक एक पेड़ की दोस्तों कीमत आपको आराम से देखने को मिल जाएगी और कम भी कीमत आपको मिल जाएगी। ये मिनिमम कीमत दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि इतनी कीमत मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएगी, लेकिन इससे कम कीमत भी आपको मिल सकती है। ठीक है, ये गोबर की खाद का पहले हमने इंतजाम कर लिया। इसके बाद गोबर की खाद का छिड़काव करने कम से कम 5 दिन के बाद आपको गौमूत्र का दोस्तों छिड़काव करना है अपनी भूमि में। इसके बाद दोस्तों आपको पौधों की बुवाई आपको करना है। 850 से लेकर 1000 पौधे कम से कम दोस्तों आपको लगाने होंगे प्रति एकड़ में, अगर आप दोस्तों सालाना कम से कम 15 से 20 करोड़ रुपए की कमाई करना चाहते हैं। वही एक दोस्तों ऐसी खेती है कि लगातार 50 सालों तक आप दोस्तों इसी खेती को कर सकते हैं। एक पेड़ कम से कम 50 साल तक आपको दोस्तों फल देता है। 3 साल के अंदर दोस्तों पूरी तरीके से फिर तैयार हो जाएंगे। 3 साल कोई ज़्यादा समय लगता है, इसके बीच में आप और भी औषधियों की खेती आप कर सकते हैं, जिससे आपको खर्चा पानी दोस्तों निकलता रहेगा। और 1 लाख रुपए दोस्तों आपको इसमें इन्वेस्टमेंट कम से कम करना है, 1 से लेकर 1.25 लाख रुपए तक, इससे ज़्यादा आपको नहीं करना है। पानी की भी बेहद दोस्तों कम ज़रूरत पड़ती है, सिर्फ 3 दिन में एक बार आपको दोस्तों इसकी सिंचाई करना है। महज 3 दिन के अंदर एक बार दोस्तों इसकी आपको सिंचाई करना है, यानी कि सप्ते में केवल 2 बार आपको सिंचाई करना है, महीने में आपको केवल 8 बार इसकी सिंचाई करना है। ज़्यादा पानी की दोस्तों ज़रूरत नहीं पड़ती और कम मेहनत में और कम लागत में तैयार होने वाली दोस्तों शानदार दोस्तों खेती है, जो कम से कम 50 साल तक आपको सालाना कम से कम 15 से 20 करोड़ रुपए की कमाई करवा सकते हैं लीची की। एक पेड़ से जो पैदावार होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक पेड़ लगभग 2 साल के अंदर फल देने लायक दोस्तों पूरी तरीके से दोस्तों तैयार हो जाता है। 3 साल का तो मैं आपको टाइम बता रहा हूँ, लेकिन 2 साल में ही दोस्तों फल देना शुरू कर देता है। एक पेड़ अमूमन जो अभी नौजवान रहता है, वो ज़्यादा वयस्क नहीं हो पाता, वो कम से कम 200 किलो फल आपको प्रति एकड़ आराम से मिलेंगे लीची के प्रति पेड़ से।
200 किलो कम से कम। और जैसे ही दोस्तों वो 4-5 साल बाद पेड़ बड़ा हो जाता है, 3 साल का तो मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, 3 साल बाद पूरी तरीके से दोस्तों एक वयस्क बन जाता है, एक बुज़ुर्ग पेड़ तैयार हो जाता है जो ज़्यादा मात्रा में फल देता है। लेकिन जो नया नया रहेगा, नया नौजवान रहेगा 2 साल के अंदर, वो आपको कम से कम 150 से लेकर 200 किलो फल प्रति पेड़ आराम से आपको देगा। और इसके बाद 2-3 साल बाद जब वो 4-5 साल का पेड़ हो जाएगा, कम से कम आपको 250 किलो से लेकर 300 किलो प्रति पेड़ आपको फल आराम से उसके मिलेंगे। तो आप इस बात से ही अंदाज लगा सकते हैं कम से कम प्रति पेड़ 15,000 रुपये की आपकी बड़े आराम से दोस्तों कमाई होती है, क्योंकि 250 किलो 200 किलो भी दोस्तों उसकी पैदावार होती है और मार्केट में कीमत आपको 100 रुपये मिल जाए, तो आप इस बात से अंदाज लगा सकते हैं कि प्रति पेड़ आपकी दोस्तों कितनी कमाई होती है। 50 साल तक लगातार फल आपको ये पेड़ देता रहेगा, एक पेड़ 50 साल तक दोस्तों उसकी म्याद रहती है। लागत 1 लाख रुपये प्रति एकड़ मैंने आपको बता दिया। पौधे आपको बड़ी आसानी से नर्सरी से मिल जाएंगे, चाहे किसी भी एरिया में आप रह रहे हो, बड़ी आसानी से आपको मिल जाएंगे। लीची की खेती के बारे में पेड़ आपको पौधे आपको आसानी से मिल जाएंगे। इंडिया मार्ट की वेबसाइट से आप पौधे ऑनलाइन ऑर्डर भी दोस्तों कर सकते हैं, और लीची अगर आप खेती भी अगर आप ऑनलाइन बेचना चाहते हैं तो इंडिया मार्ट वन ऑफ द बेस्ट वेबसाइट है हमारे इंडिया की, जो इस तरह की खेतियों को आप बेच भी सकते हैं और इस तरह की खेतियों करने के लिए वहाँ से बीज भी खरीद सकते हैं। तमाम सारी कंपनियों के, मेडिकल कंपनियों के आपको नाम मिल जाएंगे, डीलरों के नाम मिल जाएंगे, इस तरह की खेतियों को दोस्तों हाथों हाथ खरीदते हैं। इसके अलावा आप जिस भी एरिया में रहते हैं वहाँ एग्रीकल्चर, कृषि विभाग और फॉरेस्ट विभाग यानी कि वन विभाग में भी संपर्क दोस्तों कर सकते हैं। आजकल भी वो लोग भी इस तरह की खेती करने के लिए बढ़ावा दे रहे हैं, किसानों के लिए सब्सिडी भी प्रोवाइड करते हैं, आप खेती का बीमा भी करते हैं और आपको एक एग्रीमेंट भी आपके साथ करते हैं, तो इस तरह की खेतियों का आप सीधे तौर पर उन्हीं को ही बेच सकते हैं। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया लीची की खेती के बारे में। एक बार दोस्तों इसकी तैयारी कर लीजिए, 800 से लेकर 1000 पेड़ आप लगा लीजिए, 50 साल तक कम से कम हर साल 15 से 20 करोड़ रुपये आप सालाना कमाई करेंगे, इस बात की गारंटी मैं आपको देता हूँ। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। इसी तरह से दोस्तों वीडियोस मेरे चैनल पर देखना चाहते हैं तो जल्दी से दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब के पास ही में जो बेल का बटन है उसको जरूर दबा दीजिए, इससे मेरे हर एक वीडियोस की जानकारी सबसे पहले दोस्तों आप लोगों के पास पहुँच सके। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो, नमस्कार, जय श्री राम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।